अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट कम है और आपको एक कम बजट में अच्छा माइलेज और अच्छा परफॉर्मेंस वाला बाइक चाहिए, तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बाइक खरीदना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आजकल पेट्रोल का प्राइस कितना कॉस्टली हो गया है, तो लोग कहीं ना कहीं एक अच्छी माइलेज वाला बाइक लेना चाहते हैं और जिसका प्राइस भी थोड़ा कम हो। तो मैंने इस वीडियो में टॉप 5 बाइक्स को लिया है जिनका प्राइस ऑन रोड 75,000 से लेकर 80,000 तक का है। मैं आपको इसमें ऑन रोड 80,000 तक के बाइक के बारे में बताऊँगा। वैसे तो इससे कम में भी काफ़ी सारी बाइक्स आती है, बट मैं आपको इसमें टॉप 5 बाइक्स के बारे में बताऊंगा जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है, जिसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और इनका माइलेज और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है और इन सबका सेल काउंट भी ज़्यादा है। मतलब इन सबका सेल काउंट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं ये बाइक। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ बाइक के बारे में बताऊँगा, इसमें स्कूटर या स्कूटी इंक्लूड नहीं रहेगा। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक शोरूम के साथ साथ ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा, और ये जो ऑन रोड प्राइस होगा वो दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से होगा। तो आपके जो आप जो भी सिटी में रहते हैं या आपके नज़दीक में जो भी शोरूम है उनका ऑन रोड प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मिनिमम 2 से 3 हज़ार का ऊपर नीचे तक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर कर दूँ, इसमें जो एक नंबर की बाइक है और जो 5 नंबर की बाइक है, आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि 1 नंबर वाली बाइक बेस्ट है और 5 नंबर वाली बाइक ख़राब है। इसमें जो 5ों बाइक है, 5ों बाइक अपनी जगह पे बेस्ट है। इसको मैंने नॉर्मली एक लाइन वाइज सजाया हुआ है। तो अभी आप जो बाइक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बजाज की प्लेटिना 110 ABS। दोस्तों, इंडिया की पहली ऐसी बाइक है जिसमें 110 CC में आपको डिस्क ब्रेक के साथ ABS मिलता है और इसके साथ ही साथ आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है। बजाज ने हाल ही में प्लेटिना 110 में ABS इंक्लूड किया है, पहले इसमें ABS नहीं आता था। तो 110 CC की ABS में ये इंडिया की पहली इकलौती बाइक बन चुकी है। ये बाइक अभी काफ़ी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है क्योंकि इसमें 110 CC में आपको ABS मिल जा रहा है। इसलिए मैंने इसको 1 नंबर पर रखा है, इसलिए मैंने आपको पहले बताने की कोशिश किया है कि आपको एक पहले एक अच्छा खासा मैं बाइक दिखा दूँ कम बजट में जिसमें ABS मिलता हो इतने कम CC में। अब आपको इस बाइक में न्यू ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाता है। आप जैसा कि देख सकते होंगे पूरे बाइक में न्यू स्टाइल में न्यू ग्राफिक्स को लगाया गया है और यहाँ तक कि इसके व्हील्स का भी कलर को चेंज किया गया है। फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क प्लेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप ABS देख सकते हैं, दोनों अलग अलग साइड में है। नॉर्मली दोनों एक साइड में होता है पर इस बाइक में दोनों अलग साइड में लगाया गया है। इस बाइक में आपको 115.45 CC का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल BS6 FI इंजन देखने को मिल जाता है जो 7000 RPM पर 8.6 PS का पावर जनरेट कर देती है और 5000 RPM पर 9.81 Nm का टॉर्क जनरेट कर देती है। आपको इसमें 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। आपके इसके हेडलाइट में हेलोजिन मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर में भी आपको हेलोजिन बल्ब देखने को मिल रहा है और ये डोमिनार के डी जैसा इसका डिज़ाइन बनाया गया है और ओवरऑल बाइक देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसके हैंडल के तरफ अगर देखें तो यहाँ पे हैंडल गार्ड भी दिया गया है जो पहले से इसमें इंक्लूड आएगा और आप दूर से भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये बाइक लग रही है। और बैक साइड से भी आपको दिखाता हूँ आपको इसके बैक साइड का टेल लैम्प देखने में कैसा लग रहा है। टेल लैम्प की बात करें तो यहाँ पे हेलोजिन बल्ब देखने को मिल रहा है और इंडिकेटर में भी हेलोजिन बल्ब यूज किया गया। फ्रंट और रियर दोनों में हेलोजिन बल्ब है, मतलब पूरे बाइक में हेलोजिन बल्ब का ही यूज किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, पूरा एनालॉग में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। रियर में आपको 110mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है और आप अभी जो ये देख रहे हैं ये ABS नहीं है, ये सेंसर के लिए लगाया गया है, ये सेंसर का काम करता है। दोनों व्हील्स के जो स्पीड है वो मेंटेन करके इसमें कंबाइंड ब्रेक सिस्टम काम करेगा, एक साथ ये स्पीड को कम करने के लिए लगाया गया, तो इसका मेन काम सेंसर का है। इस बाइक का सीट हाइट 807mm दिया गया है और अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इसमें 200mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है और इस बाइक का कार्ब वेट 123 kg दिया गया है। इस बाइक के अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और अगर माइलेज की बात करें तो 70 किलोमीटर पर लीटर तक का आपको इसमें माइलेज मिल जाता है। और वहीं अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 65,926 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली का और इसका ऑन रोड प्राइस जो है दिल्ली का 76,000 तक का है ऑन रोड प्राइस। और मैंने पहले ही बताया कि मैं जो भी प्राइस बताऊँगा वो दिल्ली के हिसाब से होगा।
दोस्तों सेकंड नंबर पे हमारे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस। दोस्तों इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, मैं जो वेरिएंट की बात कर रहा हूँ वो ये वेरिएंट है, सेल्फ स्टार्ट ड्रम ब्रेक एलॉय व्हील FI i3S। इस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 65,295 रुपये, एक्स शोरूम दिल्ली का, और ऑन रोड प्राइस आता है इसका 78,449 रुपये। और हाल ही में इसमें 100 मिलियन एडिशन का भी एक न्यू ग्राफिक्स वाला बाइक आ गया है, जिसका ऑन रोड प्राइस 78,327 रुपये आपको पड़ने वाला है। इस बाइक में आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड OSC इंजन देखने को मिल जाता है, जो 8000 RPM पर 8.02 PS का पावर जनरेट कर देती है और 6000 RPM पर 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देती है। इसका आप ग्राउंड क्लीयरेंस देख सकते हैं, 165 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाएगा। आप अभी जो ये तीनों बाइक का डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके लिए कंपनी के पास 21 दिन में 850 डिज़ाइन सबमिट किए गए थे, और जिसमें से पब्लिक ने 50 डिज़ाइन को सेलेक्ट किया था। उसके बाद इसमें से टॉप 3 डिज़ाइन को ये आउटपुट किया गया, जो अभी आप बाइक चलाते हैं और अभी आप जो बाइक ये देख रहे हैं। इस बाइक का सीट हाइट आपको 805 mm का मिलने वाला है, और इस बाइक का कार वेट 112 kg दिया गया है। पहले से अब ये बाइक काफ़ी बेटर हो गई, क्योंकि अब कंपनी क्लेम करती है कि 9% आपका फ्यूल सेव होगा, 6% का आपको ज़्यादा पिकअप मिलने वाला है, और काफ़ी सारे और भी फीचर्स हैं। अब अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, और अगर इसके माइलेज की बात करें तो इसमें 65 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। और अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें फ्रंट और रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलने वाला है। दोस्तों थर्ड नंबर पे है हमारे पास TVS की स्टार सिटी प्लस। दोस्तों हाल ही में TVS ने इसमें स्पेशल एडिशन लॉन्च करते हुए इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दे देती है। पहले इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता था, बट अब आपको TVS स्टार सिटी प्लस 2021 वाले में अब आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस बाइक पे मैंने एक फुल डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, बट मैं इसमें आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। इस बाइक में आपको 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 FI इंजन देखने को मिल जाता है, जो 7,350 RPM पे 8.08 BHP की पावर और 4,500 RPM पे 8.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट कर देती है। और आपको इस बाइक में 4 स्पीड गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको 172 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाएगा, और इस बाइक का कार वेट 116 kg दिया गया है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो लगभग आपको 86 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी ये बाइक, और कंपनी भी इसमें 15% ज़्यादा माइलेज क्लेम करती है। तो अगर माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि आपको इसमें सबसे ज़्यादा माइलेज मिल रहा है। और अगर यही बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 68,465 रुपये, और जो ऑन रोड प्राइस है वो 80,014 रुपये होने वाला है। यहाँ पे आपको 80,000 से कुछ रुपये थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। दोस्तों इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, बट मैं अभी जो वेरिएंट की बात कर रहा हूँ वो मैं ड्रम ब्रेक की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 66,500 रुपये है, और ऑन रोड प्राइस इसका 79.765 रुपीज़ होने वाला है ड्रम ब्रेक में। और अगर आप इसके डिस्क ब्रेक की वेरिएंट की बात करें तो आपका इसका ऑन रोड प्राइस 82,191 रुपीज़ होने वाला है। इंजन की बात करें तो आपको इसमें 113.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड OSC इंजन देखने को मिल जाता है, जो 7,500 RPM पे 9.1 PS की पावर दे देती है बाइक, और 5,500 RPM पे 9.89 न्यूटन मीटर की टॉर्क दे देती है बाइक। और अगर इसके पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 9.5 लीटर का आपको इसमें पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, और वहीं इसका माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 61 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है कंपनी। और वहीं अगर बात करें इसके कार्ब वेट की, तो आपको इसमें 116 kg का कार्ब वेट होने वाला है इस बाइक का, और इस बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया। और वहीं सीट हाइट की बात करें तो 799 mm का सीट हाइट होने वाला है। लास्ट नंबर पे जो बाइक है वो है हीरो पैशन प्रो ड्रम। दोस्तों इसमें भी डिस्क वेरिएंट आता है, बट मैं आपको ड्रम ब्रेक वेरिएंट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ब्रेक वेरिएंट में बाइक लेते हैं तो आपका प्राइस 80,000 के अंदर का पड़ता है। अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट में लेंगे तो आपका प्राइस 80,000 के पार का पड़ेगा। जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट का प्राइस है वो एक्स शोरूम प्राइस है 67,400 रुपीज़,
और जो इसका ऑन रोड प्राइस जाएगा वो 18,067 रुपीज होने वाला है। और अगर वहीं अगर आप स्पेशल एडिशन वाले में डिक्स ब्रेक वाले बाइक को लेते हैं तो आपको वहाँ पे 81,087 रुपीज का पेमेंट करना पड़ जाएगा। इस बाइक में आपको 113 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है जो 7,500 आरपीएम पे 9.15 पीएस का पावर जनरेट करती है और 5,000 आरपीएम पे 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इस बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और वहीं अगर इस बाइक के माइलेज की बात करें तो आपको इसमें 68.21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा और इस बाइक का जो कार्ब वेट है वो 117 kg होने वाला है। सीट हाइट आपको इसमें 799 mm का मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 बाइक्स जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं जिनको आप प्राइस 80,000 के अंदर का है और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वाले बाइक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब आपको एक अच्छा खासा अंदाज़ा मिल गया होगा कि आप 80,000 के अंदर इन टॉप 5 बाइक्स में से किस बाइक को ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।